वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपको एक हार्ड प्रैक्टिकल सेंसर टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी हाई क्वालिटी वाली सेंसर यूज करते हैं। और गाइज, ऐसे ही मैं नए नए कंटेंट्स लेके अपने चैनल के ऊपर आता हूँ और इंफॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, इसलिए यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स आपको मिलते रहते हैं। और ओनली 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे पता है यार आप 1000 लाइक जरूर कंप्लीट करोगे। करे शुरू। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी F4M51, पोको X3, पोको X2, रियलमी 7 और पोको M2 प्रो। तो सबसे पहला टेस्ट कर लेंगे हम ऑटो ब्राइटनेस का, और ऑटो ब्राइटनेस में हम रूम लाइट के हिसाब से कौन सा फ़ोन फटाफट ऑटो ब्राइटनेस के हिसाब से डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता है, यही हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले सारे फ़ोन को मैंने यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस पे सेट कर लिया हूँ, और देख सकते हो कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब रूम के लाइट के हिसाब से सैमसंग गैलेक्सी M51 और पोको X2 बेटर काम कर रहे हैं। और सबसे लो लाइट रखा है, मतलब लो ब्राइटनेस रखा है पोको X3 ने और रियलमी 7 ने, जो रखना नहीं चाहिए था। F41 में भी मुझे ठीक लगा और पोको M2 प्रो भी ठीक लगा। और जैसे ही मैंने रूम पे डार्कनेस अप्लाई किया तो सबसे क्विक सैमसंग गैलेक्सी M51 कम किया है, जो यार ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था सैमसंग गैलेक्सी F41 वो, और ये अच्छे से यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, इसके वजह से वो ब्राइटनेस को कम नहीं। बाकी पोको X3, पोको X2 और पोको M2 प्रो सेम यहाँ पे काम कर रहे थे, बट इन्होंने भी ज़्यादा डिस्प्ले को यहाँ पे लो, मतलब कम नहीं किया है एज़ कम्पेयर टू M51। सो यहाँ पे मैं लाइट रूम का ऑन ऑफ करता रहा, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा क्विक सैमसंग गैलेक्सी M51 ही देखने को मिल रहा है। बाकी पोको X3, पोको X2 भी बेटर काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले पोको X2 का ज़्यादा नीड्स का होने के वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा ब्राइट ही देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे मुझे ओवरऑल बात करूँ ऑटो ब्राइटनेस पे, तो मुझे यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 का ये वेरी वेरी क्विकली यहाँ पे लाइट को, मतलब ब्राइटनेस को पा रहा था। उसके बाद मैं आपको लाइट में दिखाऊँ तो यहाँ पे LX में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रूम लाइट में कितना LX इसका डिस्प्ले शो कर रहा है। तो यहाँ पे पोको X2 ज़्यादा LX शो कर रहे हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा नीड्स का डिस्प्ले है। उसके बाद यहाँ पे रियलमी 7, फिर पोको M2 प्रो और अदर। तो उसके बाद मैंने रूम का लाइट फिर से बंद कर दिया, तो पूरा M51 जो लाइट निकल रहा था, M51 के डिस्प्ले से ब्राइटनेस निकल रहा था, वो लाइट उसने पूरा जीरो कर दिया है, मतलब 0.0 LX आपको देखने को मिल रहा है। बाकी यार ये फोन्स यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे कि देख सकते हो X3, X2 और पोको M2 प्रो धीरे उन्होंने कम कर दिया है, फिर भी अभी भी आपको डिस्प्ले ब्राइट देखने को मिल जाते हैं। और सबसे घटिया काम कर रहा था, बेकार सा काम कर रहा था सैमसंग गैलेक्सी F41 और रियलमी 7, इनका डिस्प्ले कम ही नहीं हो रहा था। बाकी पोको X3 और X2 और M2 प्रो धीरे धीरे इन्होंने डिस्प्ले को, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M51 का आपको देखने को मिल जाता है, बट ये इतने क्विक नहीं थे जितना सैमसंग गैलेक्सी M51 क्विक था। बाकी F41 बेकार से काम कर रहे थे, क्योंकि एक देखने वाली बात है कि इनमें जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। वन में आपको एक्जोनॉस का प्रोसेसर 9611 देखने को मिलता है, तो रियलमी 7 में आपको मीडियाटेक हेलियो G95 देखने को मिल जाता है। सो मुझे पर्सनली लगता है कि ये प्रोसेसर ऑटो ब्राइटनेस के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, या इनको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ गाइस, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का ही पार्ट हो सकता है, जो ब्राइटनेस का पार्ट है, ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन का पार्ट है, जिसमें मैंने नोटिस किया M51, X2, X3 और पोको M2 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम के साथ वेल ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं, और यही रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो F41 और रियलमी 7 कुछ भी करो, ये ब्राइटनेस को कम ही नहीं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा टेम्परेचर मैंने रूम का पूरा यहाँ पे डार्क किया था, उसके बावजूद भी इनमें आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। बात करें सेंसर्स की, तो यहाँ पे आपको सारे फोन्स में सेम सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, किसी में कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसर मुझे देखने को नहीं मिला। और बात करें प्रॉक्सिमिटी सेंसर की, तो सारे फोन्स में आप 5 सेंटीमीटर का प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, मतलब जब भी आपको कॉल आता है और आप
फ़ोन कान के पास लेके जाते हैं तो 5 सेंटीमीटर कान के पास फ़ोन जाने के बाद उसका डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, जो एक्सीडेंटल टचेस रहते हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे बंद हो जाते हैं कॉल के ड्यूरिंग में। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की मैं बात करूँ तो पोको एक्स थ्री, पोको एक्स टू, रियलमी सेवन बेटर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे थे 5 सेंटीमीटर हाथ को ऊपर रखने के बावजूद भी। बट यहाँ पे पोको एम टू प्रो के लिए आपको बहुत नीचे लेके जाना पड़ता था हैंड को, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 3 सेंटीमीटर पकड़ लो और उसके बाद ही ये डिटेक्ट कर पा रहा था प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो रियलमी सेवन पोको एम टू प्रो, रियलमी सेवन, पोको एक्स थ्री, पोको एक्स टू बेटर काम कर रहे थे। और बात करें सैमसंग के फोन्स में, लेकिन में प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। बट पोको एम टू प्रो के लिए जा के ऊपर मतलब पास में आपको पकड़ना पड़ता था। तो ये सैमसंग के फोन में देख सकते हो कि ये डिस्प्ले टचेस से डिटेक्ट करता है और एज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये काम करता है, मतलब डिस्प्ले के ऊपर टच करने के बाद ही ये काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी इन तीनों फोन में X3, X2 और Realme 7 में 5 सेंटीमीटर से प्रॉक्सिमिटी सेंसर काफ़ी इजीली डिटेक्ट करता है, बट पोको M2 Pro के लिए आपको बहुत कम, मतलब 5 सेंटीमीटर नहीं, 3 सेंटीमीटर तक पकड़ना पड़ेगा। और बात करें मैग्नेटोमीटर की, तो मैग्नेटोमीटर सेंसर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सारे डिवाइस सपोर्ट करते हैं बट यहाँ पे वैल्यू आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये मैग्नेटोमीटर सेंसर क्या है कि आपके फ़ोन के अराउंड या आपके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिटेक्ट करता है, जैसे कि आपके से कोई इलेक्ट्रिकल पोल या इलेक्ट्रिकल लाइट केबल गई हो, अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है मतलब आता है उसको ये डिटेक्ट करता है। तो सारे फोन्स में मुझे अलग अलग वैल्यू देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F41 बहुत ही ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा था, देख सकते हो आप। सो ये क्यों कर रहा था आई डोंट नो। उसके बाद बात करें जायरोस्कोप की, तो जायरोस्कोप सेंसर सारे फोन्स में देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा था। एक्सिस में आपको सेम वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे यार ये बेटर काम कर रहा था, नो डाउट। सारे फोन में आपको जायरोस्कोप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये जो जायरोस्कोप था उसका हर एक फ़ोन में आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जब आप गेम खेलते हो और जायरोस्कोप ऑन रहता है तभी ये को शायद पता लग सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स मुझे देखने को मिले, आप वीडियो को पॉज करके भी यहाँ पे मॉड्यूल्स देख सकते हो। उसके बाद बात करें कंपास सेंसर की, तो कंपास सेंसर आपको सारे फोन्स में देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F41 थोड़ा सा ढीला काम कर रहा था, बाकी सब में आपको यहाँ पे डायरेक्शन ही देखने को मिल जाते हैं। आई डोंट नो, मैं सेम डायरेक्शन पे सभी फ़ोन को पकड़ रहा हूँ बट यहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े अलग अलग डायरेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइज, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेंसर आप यूज़ करते हो, मतलब जो मैंने अभी तक सेंसर बताए उसमें से कौन सा सेंसर आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। और उसके साथ ये जो वीडियो का कंसेप्ट था आपको कैसे लगा यार, मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और आपके कोई भी सुझाव हो या ऐसे आपको अलग अलग वीडियोस देखने हो तो मुझे यार कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।